बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैर खैरियत से ना मैं अपनी आपी के घर यानी आपियों के घर पहुँच चुकी हूँ। एक आपनी मेरी दो दो आपियाँ हैं इधर, तो अपनी बहनों के घर पहुँच चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह आपी को कॉल की थी क्योंकि हम तो काफ़ी लेट हो गए। तो वो भी पहुंचे हैं हम आपी के घर। असली तय ना करो नमाज शुक्र ले लगत रोक सा येरी चीज मैं कुमासी के मुंह जई होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरप्राइज है ना, आपको पता चला था क्या? नमाज हमें पता चल गया। अच्छा, अभी कहती है हमें पता चल गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाल है? ठीक है। ड्रा बेटा सारी गड़ी को चला देना, वैसे जल्दी जाना। नहीं नहीं, आपकी गड़ी को। आगे दरारा क्या हाल है? ठीक खुश। तो वैसे अभी जो है ना हम अपनी बहनों के घर पहुंच चुके हैं और अभी शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है वैसे। तो चले बैठते हैं, काफ़ी थक गए हैं। आज ना हम बहुत सारे लोग ना एक ही गाड़ी में आए हैं। गाड़ी में क्या थकना, थकना बैठ बैठ के थक गए बंदा। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए छोटे बच्चों, क्या बैठिए, आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। तो मेहमान पहुंच चुके हैं खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बैठिए बैठिए बैठिए, आप ही बैठिए ना सुलेमान भाई। आइए बैठते हैं, थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी। पानी ले आओगे? अच्छा, लेट क्यों हो गए? आपने तो जल्दी आना था। बस यही रास्ते में थोड़ा ठहरते आए हैं, फिर चलते आए हैं, कहीं ठहर जाते थे, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। फिर सलमान को आगे से पिक करना था, तो इधर कुछ थोड़ी देर उधर लग गए, तो मेरे पास लग गया। हाँ सही बात, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। खैरियत से पहुंच गए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि खैरियत से पहुँच गए हैं। तो आज हम ना लंबी छुट्टी पर आए हुए हैं, अब आज तो लोगों को पता चलेगा, आप लोग जब तंग होगे ना फिर हम जाएंगे, पता है हम तीन चार रोज रहने वाले हैं। ये आपका घर है, अब सुबह से लेकर शाम तक हम आप लोगों को तंग करेंगे। 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, 20 दिन रहे, आप ही का घर है। अच्छा आज उस नाम नहीं गया है, भूल गया होगा, कर गया होगा। पता है इन लोगों का पानी अजीब होता है, मेरे तो हलक से भी नहीं उतरता। क्यों, नमकीन है? पता नहीं, मीठा पानी है बहुत। हमें तो मुझे ऐसा लगता है ये कड़वा है। नहीं ये तो मीठा पानी, ये दिल्ली वाला है। हाँ दिल्ली वाला है। तो आप ही ने ना खाना बना लिया है ऐसे? हाँ मैंने खाना बना लिया, अब जब बताया था तो हम आ रहे हैं। अच्छा खाना बना लिया। तो अभी आप ही खाना निकाल रही है, तो सब मिलकर खाना खाते हैं। तो अभी बस अभी हम इधर ही हैं, तो इंशाल्लाह आप ही के साथ सुबह की रूटीन भी शेयर होगी, दोपहर की रूटीन भी शेयर होगी और दूसरी आप ही के साथ भी वीडियो बनाऊंगी, तो इंशाल्लाह काफी मजा आने वाला है। 2-3 दिन हम इधर ही हैं। आप ये ले जाएं। ठीक है, मैं लेकर जाती हूँ, आप ही की हेल्प करती हूँ बाहर देने में। चम्मच भी लेकर आनी है जी। तो बच्चों अभी सब मिलकर आ जाओ, खाना लग रहा है, खाना खा लो आकर। चलो सीधे हो जाओ, चम्मच भी ले आए ना, ताज़े बने हुए हैं, गर्म ही होंगे। आके पानी ले आओ, पानी का जग ले आओ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सिस्टर खुद काम कर रही हैं यहाँ आकर, क्योंकि ये इनका अपना ही घर है। तो अभी मुझे ना इनकी पहले वाली सब बातें आप लोगों से शेयर करनी है।
क्योंकि इनके जब जितने भी बच्चे हुए ना तो सब मैंने इनके बच्चे पाले हैं। बिल्कुल सही बात है। जब पैदा होते थे ना मैं ही इधर आके इनके काम करती थी, तो आप लोगों से शेयर करना है। अभी मैं काम कर लें। अबरार भैया आप आ जाएं। बिस्मिल्लाह करें आप। बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं बना लूंगा वीडियो, आप खाना तो खाएं। दो चम्मच पड़े। किधर बैठेंगे? इधर आओ, इधर बैठेंगे। पानी रखो, साथ में सलाद ले आओ। ये सलाद में लेकर आ गया। सलाद भी आ गया। आप जाइए यार, आप ही खाना खा लें। आप भी खा लें सिस्टर, आप भी खा लें। हाँ मैं भी खाती हूँ। आप इधर से आ जाओ। जी मम्मा। हाँ क्या बात कर रहा है छोटू? कहता है आप इधर ही रहेंगे। हाँ तुम 10 दिन इधर ही हो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने पक्का वादा कर। तो अभी खाना शुरू करते हैं। तो अभी बस अभी जो है ना कोल्ड ड्रिंक आ गई, खाना खा लिया है हमने, तो अभी कोल्ड ड्रिंक आ गई, बोतल खोलते हैं। आज सारे काम सिस्टर खुद कर रही है। नहीं मैंने कहा आप ही का हाथ बटा दूं, हम मिलकर कर रहे हैं। देखिए पहले भी हम मिलकर करते थे ना। अच्छी बात है। दो बच्चों को अभी बस ये रास्ते में आप बोतलें पी कर रहे हैं मेरे ख्याल में। नहीं है तो अभी आती जो है ना चाय बना कर ले आई है, और अभी हम बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे असगर भाई और मैं, आपी मेरी सिस्टर, हम पहले जमाने की बातें कर रहे थे। अभी बैठे हुए बचपन की बातें कर रहे थे, जब हम छोटी हुआ करती थी, अब्बू अम्मी के घर में हुआ करती थी, फिर मेरी आपियों की तो दोनों की इधर शादी हो गई, फिर मैं पीछे अकेली रह गई। तो पता है ना इतनी परेशान होती थी, इतनी रोती थी, मैं कहती थी कि मैं अपनी अम्मी से कहती थी मेरी आपियों की शादी क्यों की है। आप हम इकट्ठे ज़्यादातर ना आप बाजी मुमताज बाजी और मैं, हम दोनों ना एक एक ही जगह पर बैठते थे, खाते थे, पीते थे, एक साथ कपड़े के एक साथ कपड़े भी लेते थे, जैसी चीज़ मैं लेती थी वैसी चीज़ ये लेती थी, हम दोनों सेम टू सेम चीज़ें लेती थी, और हम फिर बहुत ही मज़े से रहती थी। जब अब्बू और अम्मी के घर में होती, फिर दोनों की शादी होगी पहले मुझसे, मेरी शादी काफ़ी लेट हुई थी, तो जब इनके बच्चे हुए माशाल्लाह से, इसकी बड़ी बेटी जो है ना, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ बहुत ही मज़े की बात। तो जब मेरी आपी की बड़ी बेटी हुई थी ना, तो उस वक्त मैं अपनी अम्मी के घर हुआ करती थी, और मेरे बहनोई जो असगर भाई हैं, ये देखे सामने बैठे हुए, इसने पता है क्या किया, असगर भाई कहीं चले गए थे अपने 4 महीनों के लिए। हाँ कुछ महीनों के लिए चले गए, तो काम की खातिर, काम की खातिर मेहनत मजदूरी करते थे ना, शुरू से ही मेहनत मजदूरी करते थे। हाँ तो वहाँ चले गए थे, तो मेरी आपी अपनी बेटी को लेकर मेरे वही हमारे घर में रहा करती थी। तो उसकी बेटी ना मुझसे इतनी मानूस हो गई, जो मेरी बहन की बड़ी बेटी है, तो वो मुझे अम्मी बुलाया करती थी मुझे, वो मुझे अम्मी बुलाती थी, तो सब मुझे मेरा मजाक उड़ाती थी, कहती थी अभी आपकी शादी नहीं तो आप अम्मी भी बन गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, भांजियां भी तो बेटी होती है ना। सही बात है जी मम्मा। हाँ वो भी मिलेगी, पहले चाय तो पीने दो। तो वैसे बचपन की बातें याद करके ना बहुत ही मजा आता है। आप मिठाई ले आइए। नहीं नहीं अभी मिठाई रहने दो, हम नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी जो है ना चाय का मूड हो रहा है, चाय पीएंगे, मिठाई बिल्कुल नहीं। ठीक है चाय पी ले। तो अभी गपशप लगा रहे हैं, वैसे अभी आज गप और अच्छा पूरी रात है हमारे पास बातें करने के लिए। काफी अरसे बाद सिस्टर हमारे घर रात को आई हैं, वैसे दिन में तो 2-3 चक्कर इन्होंने पहले लगाए हैं,
लेकिन ये तकरीबन मेरे ख्याल में एक साल हो गया है। नहीं मुझे एक साल से भी ज्यादा साल हो गए, कई साल हो गए हैं कि सिस्टर आपको बताती हूं ना, जब जुहैब पैदा हुआ था फिर तो काफी अरसा गुजर गया। जब जुहैब पैदा हुआ था तब मैं इधर आके रही थी। हाँ। क्योंकि आप ही उस वक्त बच्चियां छोटी थी, काम नहीं कर सकती थी, तो ये पैदा हुआ था तो मैं इधर आके अब आठ दस दिन हाँ, लगा कर तो हम भूल रहे हैं, ये तो तकरीबन हाँ, 7-8 साल पहले की बात है। घर का काम भी मैं इनका करा करती थी, घर में जो भी होता था, तो फिर 8-10 दिन के बाद जब आप ही खुद काम करने के काबिल हो गई तो फिर मैं चली गई। उस टाइम तो ये यूट्यूब भी नहीं था, ये यूट्यूब कुछ भी नहीं था, बहुत ही मजे हुआ करते थे मेरे ख्याल से। आप टेंशन में हो, बिल्कुल भी वीडियो भी बनानी है, डेली रूटीन सिस्टर ने और फेमस भी हो गई है माशाल्लाह से। आपको अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ है कि सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने हमें हमारी किस्मत में लिखा होता है मिलता तो वही है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसी किस्मत हमारी बनाएगा हम सोच भी नहीं सकते। हाँ कभी हमने ख्वाबों में भी नहीं देखा था, जो चीजें हम आज कल अपने दौर में देख रहे हैं, अपनी जिंदगी में देख रहे हैं, हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा था कि हम ऐसी चीजें देखेंगे। कहाँ हम गाड़ी ले सकते थे या कहाँ ऐसी जगह बनवा सकते, बस उस परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए। जो भी करता है जो भी है वो मालिक बेनियाज ज़ात है। लेकिन एक बात मैं इधर कहूँगी कि सच्चे दिल से और अच्छी नियत से काम करना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खासतौर पैसे के लिए। जो पैसे के लिए दूसरों की बुराई करता है या पैसे के लिए किसी को धोखा देता है, तो ये वो कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम बुरा होता है, गलत काम का जो नतीजा होता है वो भी गलत होता है। ये बंदा सोच ले कि आज वो दूसरे के साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ भी वही गलत ही होना है, बिल्कुल होना है। और अल्लाह ताला इसी इधर ही दिखा देता है, बंदे चाहे माने या ना माने अल्लाह ताला दिखा देता है। बस अल्लाह ताला सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी ये सब के लिए दुआ है। किसी के लिए जो भी दिल में अगर कुछ है तो उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है सिस्टर, ये फानी जहान है, हम आज हैं हम कल ना हों। आपकी बात बिल्कुल सही है, फानी जहान है, जिंदगी तक कुछ ही दिनों की हमारे लिए पता ही नहीं है, हम अभी हैं या सुबह ना, एक मिनट एक सेकंड का भी हमें पता नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हमारे करीबी जो है ना वो जा रहे हैं अल्लाह के पास, पता ही नहीं चलता। एक दिन हम कहते हैं कि हम तो अभी थोड़ी देर बाद पहले उसे मिले थे, चलते फिरते थे, और अब है भी नहीं।